तो हे गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम प्रियांशु देवरे, और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर 9 संस्कृत और स्टैंडर्ड 9 का। तो इस चैप्टर का नाम है उपकार हस्तु कर्तव्य ऑब्लिगेशन स्लेश बाय ड्यूटी। तो ऑब्लिगेशन मतलब जवाबदारी, स्लेज मतलब मारना और ड्यूटी मतलब काम। तो जवाबदारी से मार डालना तो हम लोग इसको बेसिकली बोल सकते हैं। और हम लोग चैप्टर में जाने से पहले हम आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें कि ये चैप्टर नहीं है, एक ड्रामा, एक बुक में से उठाया गया है। एक बुक का लास्ट पार्ट है जिस बुक का नाम है मृचमती का, जिसको लिखा गया है शूद्रक द्वारा, जो महान ग्रेट संस्कृत लिटरेचर लेखक थे। फिर हम लोग इस चैप्टर में 3 कैरेक्टर हैं जिनका नाम है चारुदत्त, फिर शमार, साकार और फिर शर्विलक। तो हम लोग ये सभी चैप्टर इसमें बेसिकली क्या है कि ये ना एक बहुत बैड मतलब बहुत तुच्छ मानुष था, क्योंकि इसने चारुदत्त की प्रेमिका को, जिसका नाम था वसंत सेना, उसको मार दिया था। उसके बच्चों के साथ वो गलत व्यवहार करता था और पूरे गांव वालों के साथ गलत व्यवहार करता था और सबको मारता था, क्योंकि इसके जीजाजी थे ना वो उस गांव के राजा थे। तो दूसरे दिन क्या हुआ कि दूसरे राजा है, दूसरे गाँव के राजा है, और ये गाँव पर अटैक कर दिया। तो वो जो ये साकार था ना, उसके जीजाजी उसमें हार गए और मारे गए। तो चारुदत्त उस गांव के राजा तो नए ये बन गए शर्विलक जी। तो चारुदत्त है ना, जो शर्विलक के पास वो मांगने गया कि मुझे ये ऐसे ऐसे परेशान करता है कि आप है ना इसको कुछ तो टेक एक्शन लो, एक इमिडिएटली एक्शन लो इस पे। तो सब जो पूरे गांव के जो लोग थे ना, वो चारुदत्त के पास मतलब चारुदत्त के सपोर्ट में चले गए। तो फिर इसी तरीके से इसको सजा सुनाने के लिए इसलिए ये चैप्टर लिखा गया है उपकार हस्तु कर्तव्य ऑब्लिगेशन स्लेश डेथ ड्यूटी। तो हम लोग पहले पेज की ओर बढ़ते हैं। नेपथ्य, अरे अरे, राष्ट्रीय शालक एही एही स्वस्य अविनस्य फलमनुभव तथा प्रविशति पुरुष्य दृष्टि पश्चात दाह बुद्ध सकार। मतलब नेपथ्य मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो ड्रामा आप ड्रामा देखने जाते हो, तो ड्रामा के पीछे जो मतलब ड्रामा जो कर्टन के पीछे से लोग आते हैं, लोग मतलब जो कैरेक्टर्स होते हैं वो आते हैं स्टेज पे। तो ऐसे बोला गया है कि ऑन स्टेज ओ यू नेशनल फॉक्स नहीं बोल सकते, वो हमारे दोस्त है जिनने PDF बनाई है, उनको एक क्रेडिट जाता है रवि बिश्नोई जी को। तो ये नेशनल फॉक्स नहीं है क्योंकि ये राष्ट्रीय शालक मतलब वो हम लोग बोल शकारा बोल सकते हैं उसको, शकारा ही है, बोल नहीं सकते, शकारा ही है। तो शकारा उसको सजा सुनाई जा रही है, अभी सजा सुनाई जा रही है, शर्विलक उसको सजा सुनाने जा रहा है। और फिर अभी ये आगे का देखते हैं, ट्रांसलेशन देखते हैं। नेपथ्य, अरे अरे, राष्ट्रीय शालक मतलब जो पहले राजा थे जो मारे गए ना दूसरे मतलब वॉर के टाइम पे, जो दूसरे गांव के राजा के साथ वॉर हुई थी उसमें मारे गए थे ना, राष्ट्रीय शालक मतलब राजा का साला मतलब किंग्स ब्रदर इन लॉ। फिर यही मतलब कमॉन सवस्य अविनस्य फल मनुभव, आप अपने कर्मों का फल भुगतिए। तो इम्प्यूडेंस एक्सपीरियंस द फ्रूट्स ऑफ योर इम्प्यूडेंस, मतलब आप अपने कर्म के फल भुगतिए। देन एंटर द हंटर भी नहीं बोल सकते, गलती हो गई है। तो हंटर मतलब वही अपना शकारों को ऐसे मतलब दो लोगों ने इधर से दोनों सिपाही ने ऐसे पकड़ के रखा था, उसको धीरे धीरे आगे लेके जा रहे थे। और फिर उसके बाद आता है शकारा, बोलता है अपने मन में सोचता है दिशा डवलक्य। ये कोई कोई बच्चे ये ड नहीं होता बेटा, ये इसको है ना ये संधि डिसजॉइन करता ही है, दिशो अवलोक्य, इसके आगे दिशो हो ये ड लगता है ना तो अवलोक्य बन जाता है। तो दिशो अवलोक्य समन्ततः उपस्थित एक राष्ट्रीय शालक का मीनिंग एक ही है, मतलब राजा का साला। तो तत्कम दिनम अशरण शरणम वज्रामी, मतलब वो सोच रहा होता है शकारा कि मैं किसके शरण में जाके झुकूं, मतलब किसके शरण में जाके मैं गिरूं, कोई मुझे माफ़ नहीं करेगा क्योंकि मैंने इतने सारे बुरे कर्म किए इन गांव वालों के साथ। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, कोई मेरी हेल्प नहीं करेगा। विश्चिंत भवंतु त्वमेव शरणम गच्छामि इत्यपुरुष आर्य चारुदत्त।
आर्य चारुदत्त इसलिए बोल रहे क्योंकि चारुदत्त का कैरेक्टर है इसमें, इसमें क्योंकि वो अच्छा है, वो इसलिए उस इस चैप्टर में उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आर्य मतलब हम लोग देखो इंग्लिश में अगर आप इंग्लिश पढ़ते मतलब सब पढ़ते ही है बेसिकली, आप कैसे रिस्पेक्टेड मैम रिस्पेक्टेड सर, गुजराती में श्रीमान श्रीमती, वैसे संस्कृत में आर्य चारुदत्त मतलब आर्य उसके आगे रिस्पेक्टेड रिस्पेक्ट के लिए एक आर्य लगाया जाता है। आर्य चारुदत्त परित्रायस्य परित्रायस्य मतलब कि मेरी हेल्प करो मेरी हेल्प करो, कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा। इति पादय पतिति नेपथ्य मतलब पर्दे के पीछे से, क्योंकि ये एक ड्रामा है, आप रियल लाइफ में सोच रहे होगे पर एक ड्रामा है, आप फिर से बोल रहे हो ड्रामा है ड्रामा है, पीछे से बोल रहे हैं सब लोग। आचार्य चारुदत्त मुच्छ मुच्छ व्यापादयम एनम मतलब उसको छोड़ो और उसको हम सब आते हैं मार देते हैं उसको हम सब। अभी हम लोग इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट देखेंगे। शकारा लुकिंग इन द डायरेक्शन, वो ऐसे जा रहा होता है फिर उसको सब बाजू में लोग होते हैं उसकी मतलब उसकी मौत होने वाली होती है, उसको क्या पता कुत्ते उसके पीसेस कट करके मतलब उसके उसको काट के कुत्तों के सामने फेंके, फिर उसको जो आप सॉ बोलते हो ना जिससे ट्रीज को काटा जाता है उससे उसका गला उड़ा दे उसको फांसी दे, इसीलिए वो देख रहा था, वो सोच भी रहा था लुकिंग इन द डायरेक्शन, वो सब जगह देख रहा था ऐसे ऐसे उस साइड सब डायरेक्शन में देख रहा था। देयर इज अ नेशनल बॉन्ड इन द प्रेजेंट ऑल अराउंड, वो ऐसे ही सब जगह देख रहा था। दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग रिफ्यूज इन द हेल्पलेस, इसलिए मेरी मदद कोई नहीं करेगा। सॉरी गाइस मैं एक पानी ब्रेक के लिए गया था क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है इसलिए मुझे अब तक इतना एक्सपीरियंस नहीं है करने का वीडियो बनाने का। शका लुकिंग इन द डायरेक्शन, वो सब डायरेक्शन में देख रहा था। दिस इज द नेशनल बॉन्ड दैट इज प्रेजेंट ऑल अराउंड, दैट्स व्हाई आई एम नाउ टेकिंग रिफ्यूज इन द हेल्पलेस, सब उसको मना करेंगे क्योंकि उसने सब जगह क्राइम किए थे, पूरे गाँव वालों के साथ उसने बहुत एक्सप्लॉयटेशन किए थे। मैं अभी एक्सप्लॉयटेशन बहुत भारी वर्ड बोल रहा हूँ, आपको आ गया होगा वैसे एसएस में डेमोक्रेसी वाले चैप्टर में एक्सप्लॉयटेशन है वो सब। तो थिंकिंग रिफ्यूजल, वो किसी से हेल्प भी नहीं मांग सकता था, सब उसको मना करते थे। थिंकिंग वेल आई एम गोइंग टू टेक रिफ्यूज इन अप्रोचिंग, कौन आ रहे हैं अपने, चारुदत्त जी आ रहे हैं अपने मेन कैरेक्टर आ रहे हैं इस चैप्टर के मतलब ड्रामा के। वेल आई एम गोइंग टू टेक रिफ्यूज इन, मैं उसे मदद मांगने जा रहा हूँ, अप्रोचिंग आ रहे चारुदत्त। वो शकारा बोलता है कि आचार्य चारुदत्त थे ना मुझे बचाओ मुझे बचाओ, वो उसके चरणों में गिर गया उसके फीट में मतलब नीचे चला गया वो चरणों में झुक गया वो। तो अभी हम लोग फिर से पढ़ते हैं। शकारा लुकिंग इन द डायरेक्शन, सब जगह देख रहा था। दिस द नेशनल बॉन्ड इन द प्रेजेंट, दैट्स व्हाई आई एम नाउ टेकिंग द रिफ्यूज इन द हेल्पलेस, उसको कोई मदद नहीं करेगा। थिंकिंग वेयर आई एम गोइंग टू टेक, उससे मदद मांगने जा रहा हूं मैं, किससे, आचार्य आर्य चारुदत्त। सेव मी फॉल्स इन द फीट, उसके चरणों में वो गिर गया। ऑन द स्टेज मतलब ये देखो नेपथ्य आचार्य चारुदत्त मुच्छ मुच्छ, ऑन द स्टेज आचार्य चारुदत्त लेट गो लेट टॉर्चर, उसको मारो उसको पीटो। अभी हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर और बढ़ते हैं। शका तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। शकार चारुदत्त प्रति भो अर्णम शरणम परित्रावेश, शकारा अभी हम लोग इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं। तू चारुदत्त, चारुदत्त को बोल रहा है, ओ हेल्पलेस शेल्टर सेव मी, सेव मतलब शेल्टर मतलब मदद करो मेरा सहारा बनो आप, क्योंकि कैसे हम लोग बारिश में अगर किसी जगह भीग जाते तो हमारा पेड़ कैसा हमारा एक सहारा बनता है कि बारिश से हमको बचाता है या शेल्टर बचा सकता है हमको, बारिश से सहारा मिलता है उससे, तो शेल्टर आप इससे सहारा से याद रख सकते हो। शक हम लोग फिर से पढ़ते हैं फिर से क्योंकि मैं मेरे सर पे गया एकदम, सर जैसे पढ़ाते हैं वैसे मैं पढ़ाता हूँ एकदम, वो एक लाइन पढ़ाते हैं मैं भी वो एक लाइन पढ़ाते हैं फिर उसको रिपीट करते हैं क्योंकि आप सबको वो याद रहे। हम लोग फिर से पढ़ते हैं। शकार चारुदत्त प्रति भो अर्णम शरणम परित्रावेश, अभी इंग्लिश में फिर से शकार टू चारुदत्त, चारुदत्त को बोल रहा है ओ हेल्पलेस मेरी मदद करो मेरा सहारा बनो। हम लोग दूसरा देखते हैं। चारुदत्त बोलते हैं सानुकंप अह अभयम अभयम शरणगत्स्य, इंग्लिश में चारुदत्त कंपैशनली आ फियरलेस इन द सेफ्टी वन हु टेक्स रिफ्यूज। रुक सॉरी गाइस एक छोटा सा ब्रेक ले लिया था। चारुदत्त सानुकंप अह अभयम अभयम शरणगत्स्य,
इंग्लिश में चार उधर तक कंपेंसेटली उसने मन में बोला अपने फियरलेसनेस इज द सेफ्टी वन हु टेक्स रिफ्यूज, रिफ्यूज मीन रेस्क्यू फ्रॉम डेंजर, मतलब वो बीच में मतलब मन के मन ही मन बोल रहा था हाँ मुझे भी तेरी मदद करनी है, पर ये राजा है इनके सामने मैं कैसे बोल सकता हूँ। फिर अभी सर्विलक बोलता है, सर्विलक सावेगम आह अपनी आतम अयम चारुदत्तम प्रति ननु यांचा किस्मय पापशा अनुष्ठेयमिती। सर्विलक स्विफ्टली ओह टेक दिस चारुदत्त साइड टू चारुदत्त नाउ टेल मी व्हाट सिन, सिन मतलब पापी होता है गाइस, आई शुड कमिट। स्विफ्टली फिर से पढ़ते हैं, ओह टेक चारुदत्त साइड, वो मतलब जो सिपाही थे ना वो शकार था ना वो चारुदत्त की साइड चला गया था, तो वो सर्विलक जो राजा था वो सिपाही को बोल रहा था कि वो शकार को चारुदत्त से इधर लेके आओ वरना वो कुछ चारुदत्त को कर देगा। फिर चारुदत्त नाउ टेल मी व्हाट इस पापी के साथ क्या किया जाए आप बताओ। आकार संतु सुबेन्द्व स्वभि संखादमत अथ शूले व तिष्ठ में पाट्यंत क्रकचेन व पुल हिम टाइड अप एंड लेट डॉग्स हिम, मतलब उसको काट उसके पीस करके कुत्ते को खिलाए जाए। लेट दिस वन स्टैंड ऑन स्पीयर ब्रोकन विथ क्रैक, मतलब वो होता है ना गला काटना या तो फांसी देना वो सब आप समझ गए होंगे, अब नाइन्थ में आ गया। चारुदत्त किम यद ब्रविमी तथा क्रियते, चारुदत्त इज वॉट आई से बीन डन, मतलब मैं जो बोलूंगा आप कर सकते हो। फिर सर्विलक बोलता है कोरोत्र संदेह वॉट डाउट इज देयर, कोई शक है आपको, मैं करूंगा जरूर करूंगा क्यों नहीं, मैं उसको मारूंगा क्योंकि उसने अपराध किया है। फिर शकार बटार चारुदत्त शरणागुत्सीम तत परित्रायस यत्व शुद्धंश तत्कुरु पूर्णन इदंशी करिष्यामि। इंग्लिश में सकारा भटार का चारुदत्त आई हैव कम टू यू फॉर शेल्टर, मैं तेरा सहारा बन के आया हूँ, सेव मी दैट प्लीज, मुझे बचाओ प्लीज, डू वॉट एवर लाइक यू, आई विल नॉट डू दैट अगेन। वो बोल रहा था, वो शकारा उसको बोल रहा था कि सॉरी मैंने आपकी बीवी के साथ वसंत सेन आपकी जो प्रेमिका थी उसके साथ गलत किया, मैंने उसको मारा, आपके बच्चों के साथ मैंने गलत व्यवहार किया, मैंने पूरे गांव वालों के साथ गलत व्यवहार किया, आप मुझे और एक जिंदगी दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। क्योंकि वो ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि उसके जीजाजी नहीं रहे, मतलब जीजाजी मतलब वो पहले वाले राजा वो तो मर गए वो वॉर में, मतलब दूसरे विलेज के आके वो मार के गए राजा। फिर भी आगे बढ़ते हैं, नेपथ्य गाइस याद रखना, नेपथ्य मतलब पर्दे के पीछे से हम लोग ये ड्रामा पढ़ रहे, स्टोरी नहीं ड्रामा पढ़ रहे हैं। आप इसको इमेजिन कर सकते हो एक स्टोरी की तरह पे और याद भी रख सकते हो। नेपथ्य पोराम व्यापदाय किन मिन तब पाठकी जीवित है ऑन द स्टेज हेयर इज द सिटीजन व्हाई डू यू सी नीड अ लाइफ क्यू इज तुच्छ, मतलब पापी जा ऑन द स्टेज हेयर इज द सिटीजन व्हाई डज द सिनर लाइव, क्यों ये पापी को जिंदा रखना है आपको, क्यों इसको मारना चाहिए, इसने इतने क्राइम किए। अगले पेज की ओर बढ़ते गाइस, सॉरी ओके आ गया। सर्विलक अरे अरे अप्यंत आर्य चारुदत्त आज्ञापताम किमस्य पापस्य अनुष्ठियन। सर्विलक इंग्लिश में सॉरी मैं भूल जाता हूँ, सर्विलक ओ अडॉप्टेड ओ नोबल चारुदत्त प्लीज ऑर्डर मी टू कमिट दिस सिन, मतलब इसको अभी आप बताओ क्योंकि आपके आपके साथ ज्यादा गलत हुआ है, इसने आपके पत्नी को मारा, वसंत सेना को मारा, फिर उसके बाद उसके बच्चों को हेरेसमेंट किया, फिर आप बताओ आप इतने अच्छे हो, एक महान सिंगर हो, एक महान कवि हो, आप बताओ इसके साथ क्या करने चाहिए ये पापी के लिए। सेन यानी पापी लिख देता हूँ एक बार, पापी मेरी इंग्लिश अच्छी है वैसे पर स्पेलिंग याद नहीं आ रही अभी, तो हम लोग अभी आगे पढ़ते हैं। चारुदत्त किमम यद ब्रह्मिमं तत्क्रियते, चारुदत्त क्या मैं जो बोलूंगा वो हो जाएगा सही में। सर्विलक बोलता है कोरोत्र संदेह व्हाट डाउट इज देयर, चारुदत्त बोलता है सही में आप कर सकते हो मैं जो बोलूंगा वो।
फिर सर्विलक जो राजा था बोलता है सत्य है, मतलब सही है, आप सही बोल रहे हो, आप जो बोलोगे वो हो सकता है। चारुदत्त बोलता है यदेव शीघ्रम, इफ इट्स ओके, आप एकदम जल्दी कर सकते हो जो मैंने बोला वो सही में कर सकते हो, आप एकदम फास्ट कर सकते हो जो मैं बोला आपको। फिर सर्विलक बोलता है व्हाट्स द मैटर, आपको क्या चाहिए, आपको उसको मारना है, देखो व्हाट्स द मैटर। चारुदत्त नहीं नहीं मुच्छेता, चारुदत्त नो नो लेट्स रीड ऑफ इट, उसको छोड़ दो। चारुदत्त शूत्र कृत अपराध शरण्य पत्ते पादयो पतिति शस्त्रसेन हत्या, इंग्लिश में चारुदत्त द एनिमी हैव कमिटेड एन ऑफेंस टू ग्रीफिस एंड फील एट हिज फीट ही शुड नॉट बी किल्ड विद अ वेपन। ये थोड़ा सा इधर हो गया, वो पीडीएफ में हो जाता है थोड़ा सा, तो सॉरी उसके लिए। द एनिमी हैविंग कमिटेड, उसने अपनी गलती कबूल की है, उसकी गलती कबूल की, उसने अपने चारुदत्त के शरण में फीट में झुक के उसने माफ़ी मांगी कि हाँ मैंने ये गुनाह कबूल कर रहा हूँ, मैं मेरे को माफ़ कर दो, अब मुझे मत मारिए प्लीज़। उसको कभी भी हम हथियार से नहीं मार सकते, अगर उसने अगर अपनी गलती कबूल की है तो नहीं कर सकते। मैं पहली बार ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा थकान हो रही है, अगर मेरे रोज़ अगर आपके लिए नाइन्थ में जो जितना भी संस्कृत है ना वो मैं पढ़ाऊँगा, आप मत टेंशन करो, आपके एग्ज़ाम आप लाओगे अच्छे से, अच्छे मार्क्स लाओगे, मैं मेरी फुल ट्राई करूँगा आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने के ट्राई करूँगा। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर्विलक एवं तरी ही स्वभी खाता, मतलब सर्विलक बोल रहा है इज़ लाइक दैट, क्या हम उसको मतलब उसके पीस करके कुत्ते को खिला दें। फिर अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं, शायद ये नीचे है, हाँ है सॉरी। चारुदत्त नहीं, उपकारस्तु कर्तव्य, नो आई डोंट बट द बेनिफिट शुड बी डन, नो आई डोंट बट द बेनिफिट शुड बी डन, मुझे उसके कोई उपकार नहीं चाहिए, आपने उसको माफ किया चलेगा। चारुदत्त बोल रहा है बेचारा बहुत अच्छा है, दिल का साफ मानस है एकदम। चारुदत्त नो आई डोंट बट द बेनिफिट शुड बी डन, मुझे उसका उपकार नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। नेक्स्ट पेज, लास्ट पेज, मेरा पहला वीडियो है, मुझे अगर अच्छा लगे, आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप कमेंट में बता देना कि एक लाल इमोजी हर्ट होता है ना लाल हर्ट, वो एक बार डाल देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो। शर्विलक अहो आर्शान्यम किम करोमि वद्दर्वाया, शर्विलक ओ इट्स अमेजिंग व्हाट आई एम डूइंग टेल मी सर। वो शर्विलक भी बेचारा ये हो गया कि कितने महान आदमी हो आप, कितने महान आदमी हो, आपने ऐसे मतलब एक पापी को आपने माफ़ कर दिया क्योंकि उसने आपके शरणों में झुककर माफ़ी मांगी, अमेजिंग आप बहुत अच्छे हो, व्हाट आई एम डूइंग टेल मी सर। चारुदत्त तन्मुंजन ताम लेट हिम गो, उसको जाने दो छोड़ो। फिर सर्विलक बोलता है मुक्त भवत, छोड़ दो उसको, सिपाही को बोलता है छोड़ दो उसको। फिर शकार आश्चर्य प्रतिजीव विद्योस्मि इति पुरुषे सम निष्क्रांत, शकार बोलता है सरप्राइजिंगली इधर आएगा वंडरफुल आपने मुझे रिवाइव कर दिया, मतलब मेरे को एक नई लाइफ दिया आपने, थैंक यू। एंड ही वेंट आउट विद द मैन, वो एक आदमी के साथ चला गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, एक लाल हार्ट लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपको न्यू चैप्टर चाहिए तो कमेंट में बता दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, पीस।